ताजनगरी में आए दिन पुलिस कुछ ना कुछ करती रहती है, जिसकी चलते उसकी तारीफ लगातार लोग करते नहीं चूकते हैं। इस तरीके से एक और अभियान पुलिस ने चलाया, जिसकी लगातार तारीफ हो रही है। पुलिस आगरा आने वाले देसी और विदेशी मेहमानों को साइबर अपराध से कैसे बचा जा सके, इसके लिए जागरूक भी कर रही है। पर्यटक पुलिस की थाना प्रभारी प्रीति चौधरी ने आगरा आने वाले अपने देशी विदेशी मेहमानों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए हैं, ताकि आगरा में आकर वह किसी फ्रॉड का शिकार ना हो पाए। हमें साइबर क्राइम के बारे में बताया गया है कि किस तरह उससे बच सकते हैं और किस तरह से हमको धोखे से और कोई अनजान व्यक्ति है उनके कॉल आने से, हमारी जानकारी उन तक पहुंचाने से हम किस तरह बच सकते हैं, उस बारे में हमको पुलिस ने बताया है, जागरूक किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह काम करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे, क्योंकि घर में जो बच्चे रहते हैं या उनसे जो छोटे बूढ़े हैं जो हमारे घर में रहते हैं, उनको इन सब के बारे में नहीं पता होता है कि साइबर क्राइम क्या होता है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। इन सब से बचने के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आगरा पुलिस ने किया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आगरा की पर्यटन पुलिस अब पर्यटक को बेहतर सुविधा देने का काम तो कर ही रही है, साथ ही साथ उनको ताज देखते समय या अन्य स्मारक देखते समय कोई असुरक्षा की भावना पैदा ना हो, उसका भी ध्यान रख रही है। लेकिन ऐसे में एक कड़ी इस पायदान में और जुड़ जाती है, जब आगरा की पर्यटन पुलिस यहां पर आने वाले टूरिस्टों को साइबर ठगी के बारे में जानकारी दे रही है, उन्हें जागरूक कर रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पर्यटन पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। तमाम महिला अधिकारी जो है वो महिलाओं को समझाने का काम कर रही है। यहाँ पुरुषों को समझाया जा रहा है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। सीधे मैम से बात कर लेते हैं, प्रीति जी हमारे साथ मौजूद है। प्रीति जी, आप यहाँ पर्यटन थाने की तमाम चीजें तो आप देख ही रहे हैं, पर्यटकों को सुरक्षा की भावना हो, वो आराम से ताज देख सके, लेकिन ये जो आपने एक नया पायदान शुरू किया है कि साइबर ठगी के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या कुछ ये अभियान आप पर कैसे चलाया जा रहा है? देखिए, कमिश्नरेट आगरा के अंतर्गत पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में संपूर्ण आगरा में ही ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम सभी आम नागरिकों को साइबर फ्रॉड या साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि ये ताजमहल है, यहाँ पर देश के विभिन्न कोनों से पर्यटक आते हैं, देश विदेश से पर्यटक आते हैं, तो हमारा ये अभियान इसीलिए सभी पर्यटकों को जागरूक करने का है कि वो किसी भी तरीके के साइबर फ्रॉड या साइबर अपराध से बचें, इसीलिए हम ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम लोग इन लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कोई भी अननोन कॉल्स आती है, आपसे कोई भी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है या कोई भी ओटीपी मांगा जाता है, आप किसी के साथ शेयर ना करें, और कोई भी पुलिस वाला बनकर या सीबीआई अधिकारी बनकर आपके साथ डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करता है तो आप लोग उसके झांसे में नहीं आइए, आप उसकी कॉल अटेंड नहीं करिए, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला पैसों की आपसे मांग नहीं करेगा। ये अभियान आपका कौन कौन से गेटों पर, सभी गेटों पर चला जा रहा है, सभी पुलिस फोर्स आपकी पर्यटन जी? हमारे यहाँ पे देखिए, हम ईस्ट गेट पर शिल्पग्राम तक हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। इसके अलावा हम रेड फोर्ट पर भी इस अभियान को चला रहे हैं। जहाँ पर भी पर्यटकों की संख्या ज्यादा है, वहाँ हम सभी पर्यटकों को इकट्ठा करके साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पर्यटन अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं, कुछ टूरिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। मैम ने जो समझाया, सबकी समझ में आया। एक्चुअली दिस इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द पुलिस टू कंट्रोल ऑल सच काइंड ऑफ क्राइम्स, बिकॉज हम लोग नॉर्मली इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, बट हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अभी मॉडर्न जनरेशन है, इनफैक्ट वी पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व विद ऑल दी सच काइंड ऑफ डिवाइसेज, लाइक तो हमें आना चाहिए कि हाउ टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। अगर कंट्रोलिंग होगा तो इनफैक्ट ऑब्वियसली रुक जाएगा इस तरह का क्राइम, तो दैट इज ए बेसिकली यू नो इट्स वेरी गुड अवेयरनेस, तो वी पीपल विल आल्सो विल गेट यू नो मोटिवेटेड बाई हार्ट एंड यू नो हम लोग को भी सीरियसनेस आ जाती है इस चीज़ के लिए। सराहनीय कदम यहाँ पर्यटन पुलिस का कहेंगे, जो यहाँ पर लगातार टूरिस्टों को जागरूक करने का काम कर रही है, तो इसको लेकर टूरिस्ट भी काफी अपने आप को खुश महसूस कर रहा है और वो कहता है कि पर्यटन पुलिस का बेहद सराहनीय काम है, जिससे उसे साइबर ठगी के बारे में जानकारी दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ ईस्ट उत्तर प्रदेश। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहाँ पर अभियान की लोग तारीफ भी यहाँ पर कर रहे हैं और साइबर अपराध से बचने के तरीके भी लगातार पुलिस अधिकारी द्वारा बताए जा रहे हैं। साइबर अपराध को लेकर अभियान यहाँ पर चलाया गया है। आगरा से तस्वीरें आप देखिए, लोगों के द्वारा इस अभियान की तारीफ भी की जा रही है। लोगों ने कहा कि आगरा पुलिस बेहतर काम कर रही है। तो बता दें आपको कि ताजनगरी में आए दिन पुलिस कुछ ना कुछ करती रहती है, जिसके चलते उसकी तारीफ लगातार होती है।
इस तरीके के एक अभियान पुलिस ने शुरू कर दिए हैं, जिसकी तारीफ लोग कर रहे हैं। दरअसल पुलिस आगरा आने वाले अपने मेहमानों को साइबर अपराधों से कैसे बचा जा सके इसके लिए लगातार जागरूक कर रही है। पर्यटक पुलिस की थाना प्रभारी प्रीति चौधरी ने आगरा आने वाले अपने देशी विदेशी मेहमानों को साइबर अपराध से बचने के तरीके भी बताए, ताकि आगरा में आकर वह किसी फ्रॉड का शिकार ना हो पाएं।